हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमराव तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा सात के लर्निंग आउटकम्स सब्जेक्ट है इंग्लिश तो पहला लर्निंग आउटकम क्या है द चाइल्ड इज एबल टू रिसाइड पोएम्स विद प्रॉपर रैम एंड इंटोनेशन नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है द चाइल्ड इज एबल टू टेक डिक्टेशन एंड कैन राइट वर्ड्स सेंटेंसिस करेक्टली नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है द चाइल्ड इज एबल टू यूज डिक्शनरी फॉर मीनिंग्स स्पेलिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड कैन यूज़ द न्यूली लर्न वर्ड्स नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है ई सेवन जीरो फोर इसमें कहा गया द चाइल्ड इज एबल टू रीड स्टोरीज एंड अदर टेक्सट एंड इन फॉर द मीनिंग ऑफ अन फेमिलियर वर्ड्स नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है द ई सेवन जीरो फाइव जिसमें बताया गया चाइल्ड इज एबल टू फ्रेम निगेटिव इंट्रोगे सेंटेंसेज करेक्टली नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में द चाइल्ड इज एबल टू एक्सप्रेस हिज हर आइडियाज ऑन आर मॉरल वैल्यूज इन्वायरमेंट विलेज टाउन साइंटिस्ट ट्रैफिक रूल इटि नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है में ई सेवन जीरो सेवन द चाइल्ड कैन फ्रेम कोशन बिगनिंग विद डू डिड कैन कुड इज आर इटी नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है द चाइल्ड कैन फ्रेम सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिव हैज हैव वर्ड्स synonyms antonyms and homophones next learning outcome is the child is able to complete sentences using correct words and correct the incorrect statements next learning outcome is the child is able to use punctuation marks like full stop and question marks etc correctly next learning outcome is the child can solve cross words and is able to describe the difference among pictures नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है द चाइल्ड इज एबल टू यूज ग्रामर रूल्स इन राइटिंग्स एंड स्पीकिंग्स लास्ट लर्निंग आउटकम देख लेते हैं इसमें बताया गया चाइल्ड इज एबल टू राइट लेटर्स कंपोजिशंस वर्थडे इन्विटेशन इट इजी यूजिंग प्रॉपर फॉर्मेट एंड ग्रामर रूल्स तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो